तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि ये कितनी चली हुई मैंने ली थी और कितनी ये चल गई है और साथ में एवरेज भी इसका दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BLS व्लॉग पे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपनी सेकंड हैंड मारुति LDI कार का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा कि इसका इंश्योरेंस कितने रुपये का होता है, यदि आप गाड़ी लेते हो ट्रांसफर करवाते हैं तो कितने रुपये का खर्चा आता है, और क्या ये एवरेज देती है सिटी में हाईवे पे, और इसकी सर्विस कॉस्ट क्या रहती है, क्या इसके सेफ्टी फीचर है, ये आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए BLS व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबा लेना ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Chasing whatever kills for so long, I forgot how it feels. In the dark of night, tabletops counting us in the early hours. और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार है ये मॉडल है 2014 की मारुति की स्विफ्ट LDI। ये कार मैंने 10 महीने पहले ली है, और जिससे मैंने ली है वो फर्स्ट ओनर था, और अभी मैंने ट्रांसफर करवा लिए तो मैं सेकंड ओनर हूँ इस कार का। तो अभी जस्ट मैंने 20 दिन पहले इसको ट्रांसफर करवाया है, और इसका जो मेरे खर्चा है वो ऑलमोस्ट 9,500-10,000 के आसपास ये कंप्लीट हो गया था, और इसका जो इंश्योरेंस हुआ है वो भी अभी 2 महीने पहले ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसका इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस आया इसका 12,000 रुपये के आसपास। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि ये कितनी चली हुई मैंने ली थी और कितनी ये चल गई है, और साथ में एवरेज भी इसका दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो एवरेज बता रही है 19.8 बता रही है, जो एकदम सिटी में है, क्योंकि मेरा ऑफिस बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर जाती है और बंद हो जाती है, फिर 1 किलोमीटर जाती है फिर बंद करनी पड़ती है, इसलिए इसका एवरेज 19.8 दिख रहा है। परंतु जैसे आप हाईवे पर जाते हो, जैसे अभी मैं चूरू जाके आया था तो 200 किलोमीटर जानी थी और 200 किलोमीटर आनी थी, तो ये जो एवरेज है फ्रेंड्स ये बढ़ के 26.3 तक हो गया था, और अभी चली हुई है 68,066 किलोमीटर, और मैंने ली थी 61,800 किलोमीटर पे ये ली थी, मतलब ज़्यादा नहीं चलाई है, परंतु लगभग 6,000-7,000 किलोमीटर जो भी चलाई है उसके हिसाब से एवरेज ये बहुत अच्छा देती है। 20 से नीचे एवरेज नहीं देती आपको ये, और हाईवे पे आपको 25-26 का एवरेज नॉर्मल ये दे देगी। और इसमें सेफ्टी फीचर के हिसाब से ना तो फ्रेंड्स एयरबैग है और ना कुछ, ये इसमें स्टीरियो लगा हुआ पहले से आया है, ये इसका स्टेरियो है, और इसमें LDI में वैसे पीछे वाले जो विंडोज आते हैं वो पावर विंडो नहीं होते हैं, परंतु जो फर्स्ट ओनर थे उन्होंने इसको मॉडिफाई करवा रखा है, तो इसमें पीछे वाले भी पावर विंडो है, तो इन पे मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। और फ्रेंड्स बात करें कि यार मारुति स्विफ्ट ही क्यों लें, तो इसका सिर्फ मोटे मोटे 2-3 रीजन आते हैं कि एक तो आपकी कार का एवरेज अच्छा रहेगा, और जब मार्केट में जब आप इसको सेल करना चाहेंगे तो आसानी से आप जब भी चाहेंगे तभी ये सेल हो जाएगी, और इसकी जो प्राइस है 10 महीने पहले मैंने 3,50,000 रुपये में ली थी, आज मेरे हिसाब से ये 3-3.25 के आसपास मार्केट में आपको 2014 मॉडल आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इससे ज़्यादा की रेट आप ना दे तो ज़्यादा सही रहेगा, और कंडीशन ज़रूर देखिए, ओनर हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड ओनर आप ही रहने चाहिए, यदि थर्ड ओनर और फोर्थ ओनर पे आप जाते हैं तो फिर उसकी वैल्यूएशन ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जब भी कोई भी कार आप लें तो फर्स्ट ओनर से लें और आप सेकंड ओनर ही बने। और मारुति ना लेने का रीज़न इतना है कि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही कमज़ोर आती है, और इसमें कोई ज़्यादा सेफ्टी फीचर नहीं होते, एयरबैग भी नहीं होते छोटे मॉडल में, परफॉर्मेंस अच्छी है, एवरेज अच्छा है,
कंडीशन अच्छी है और रीसेल वैल्यू अच्छी है मारुति की, तो आप इसको ले सकते हैं और आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और आसानी से आप इसको सेल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को हमेशा की तरह लाइक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।